हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेम और आलू की सब्जी। आज जो हम सेम और आलू की सब्जी बनाएंगे, एक ही तरीके से बनाएंगे, लेकिन जिसे सूखी खाने का मन करे वो इस तरह से भी बना सकता है, और ग्रेवी वाली जिसे खाने का मन करे वो इस तरह से भी बना सकता है। तो सारे टिप्स मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है पूजा और आप देख रहे हैं किचन भंडार यूट्यूब चैनल। सेम और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई ली है। इसमें हम 2 चम्मच तेल ले लेंगे। मैं यहाँ पे सरसों तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी तेल खाते हो वो तेल ले सकते हैं। और तेल के गर्म होते ही इसमें हम आलू को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 आलू को बड़े बड़े साइज में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पे नए वाले आलू का इस्तेमाल किया है। अभी ठंडी का समय चल रहा है तो मार्केट में ये आलू बहुत मिल रहा है, तो इसी का बनाइएगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे हम कवर करके 2 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे, या तब तक जब तक कि हमारा आलू थोड़ा सा पक ना जाए। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, आलू में हल्का कलर आ गया है। तब हम इस टाइम इसमें सेम को डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 किलो सेम लिया था, जिसे मैंने कट कर लिया है, और इसके रेशे को भी हमने निकाल दिया है। तो इसे डाल के एक बार इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके इसे कवर करके 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। 2 मिनट बाद इसे खोल लेंगे और इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए और कवर करके इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट बाद हमने इसे खोल लिया, और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, सेम भी हमारा अच्छे से पक गया और आलू भी हमारा अच्छे से पक गया है। ये देखिए ब्रेक भी हो जा रहा है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल और ले लेंगे, और तेल के गर्म होते ही इसमें डाल देंगे 1 चम्मच सरसों, और साथ ही इसमें हम 1 प्याज डाल देंगे, जिसे मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा लहसुन। तो मैंने यहाँ पे हरी वाले लहसुन का इस्तेमाल किया है। अभी ठंडी में नया नया जो लहसुन पत्ती मिल रही है उसी का इस्तेमाल किया है। और इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, या तब तक जब तक कि प्याज हमारा भुन ना जाए। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, प्याज का कलर चेंज हो गया है। तब हम इस टाइम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च को साथ में पीस लिया था, तो इसे डाल देते हैं 2 चम्मच, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इस टाइम कैमरा बंद होने की वजह से हल्दी कैप्चर नहीं हो पाया। और इसे डाल के हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे, या तब तक जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, मसाला हमारा भून गया है। तब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, जिसे मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। इसे डाल देते हैं, और साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, जिससे कि टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए। तो ध्यान रखिएगा, हमने सेम और आलू में भी नमक डाला था। और डाइजेशन के लिए इसमें हम थोड़ा सा हींग मिला देंगे, और इसे डालकर एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे, या तब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद हमने इसे खोल लिया, और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारा टमाटर एकदम अच्छे से गल गया है, मसाला भी हमारा अच्छे से भुन गया है। इसे मैंने बीच में एक बार चला लिया था, जिससे कि मसाला हमारा जले ना। अब हम इसमें फ्राई किए हुए सेम और आलू को डाल देंगे, और उसे डालकर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस सब्जी को इस तरह सूखी सब्जी की तरह भी खा सकते हैं। ये सब्जी रोटी के साथ, दाल चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको इसको सूखा खाना है तो इसे कवर करके 2 मिनट के लिए पका लें, जिससे कि आलू और सेम में मसाला अच्छे से चला जाए। 2 मिनट बाद इसे खोल लेंगे, और इसे इस तरह से आप सर्व करें। लेकिन मैं यहाँ पे ग्रेवी लगा रही हूँ, तब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, और पानी को डालकर एक बार इसे मिला दें। और मिलाने के बाद इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 4 मिनट बाद हमने इसे खोल लिया, और यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड, हमारा सेम और आलू का ग्रेवी वाली सब्जी बनकर तैयार है। तो एक ही सब्जी को आप 2 तरीके से बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। अगर किसी को सूखी सब्जी खानी हो तो उस तरह से बना ले, और ग्रेवी वाली तो इस तरह से। इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे, मिला दें इन सबको। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमारा सेम आलू का झटपट से सब्जी बनकर तैयार है। और आपको कौन सी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगी, सूखी वाली या ग्रेवी वाली, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।